अब हमारे बीच रमेश सोनी जी उपस्थित हैं और एनडीएस के साधक हैं, डेढ़ साल से एनडीएस का पालन कर रहे हैं बड़ी शिद्दत के साथ, और एनडीएस के थ्रू भाई साहब ने क्या क्या अचीवमेंट्स की, इनको क्या क्या फायदे हुए, उसके बारे में हम सभी को मार्गदर्शन करेंगे और अपना एक्सपीरियंस सुनाएंगे, और उसके बाद जिग्नेश भाई साहब आज का लेक्चर आगे बढ़ाएंगे। रमेश सोनी जी, आप सभी साधकों के भीतर बैठे हुए परमात्मा को मेरा प्रणाम स्वीकार करें। मैंने एनडीएस का कैंप लगाया था पिछले साल, और उससे पहले एक साधक यहाँ पर ये कह रहा था, अभी मैंने अपने घुटनों के ऑपरेशन कराने के लिए डेट ले रखी है, लेकिन उसको ये कहा गया अभी आप जयपुर में कैंप लग रहा है, आप कैंप में जाओ और 5 दिन कैंप लगा के आओ, फिर उसके बाद में आप ऑपरेशन करा लेना, आपके पैसे भी आपके पास हैं और डॉक्टर भी कहीं नहीं जाने वाला। मैं कहा 5 दिन में कैसे कुछ होने वाला है, तो थरानी जी हैं यहाँ पर, मैंने उनसे ही मतलब आगे एनडीएस का कैंप शुरू किया था, तो 5 दिन के लिए गए थे, जबकि दोनों जो है मियाँ बीबी दोनों लक्ष्मी जी के तो जो दाढ़ी करने के लिए भी जो है ना उनको मतलब जो खड़ा नहीं रह सकते, बैठना पड़ता था उनको। मेरा बजट था करीब करीब 85-86 किलो और बहुत ज़्यादा ओवरवेट था। अभी मैं दिखाऊं तो मेरा फोटो देख के आप कल्पना नहीं कर पाओगे भी ऐसा हो सकता है क्या। मेरे को अभी तो करीब करीब 65 किलो है, 20 किलो लूज किया, हाँ 22 किलो करीब, 22। तो मेरे को देख करके हमारे विशाल भाई साहब वहाँ योगाश्रम में मैं जाता, मैं 20 साल से योग कर रहा हूँ, लेकिन मैंने योग करने के बाद में ये पाया कि योग करने से कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार पता ये लगा भी जब तक अपना खान पान नहीं सही करोगे तब तक कुछ होने वाला ही नहीं है। आप कितना भी घूमो, कितना भी फिरो, कुछ भी करो, कोई फायदा नहीं है जब तक खान पान सही नहीं करोगे, हमने कुछ नहीं होने वाला है। उसके बाद में मैंने शुरुआत वहीं से कर दी थी, उसी के बाद उनके आने के बाद मैंने संदीप भाई से संपर्क में आने के बाद इन्होंने मैं तो आप बताओ मेरे को कैसे कैसे करना है, कहते जी आप ये चीज़ें काम करो, पका हुआ बंद कर दो, डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दो, बेकरी प्रोडक्ट बंद कर दो, मैंने सब बंद कर दिया, पका हुआ बंद कर दिया, जैसे शुरू कर दिया मैंने। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले सब ग्रीन जूस लेना, और उससे पहले सबसे पहले जो बात है वो ये है कि हमने लग्नम परम औषधम जितनी समय तक हो सकता है हमने वो मतलब खाना नहीं खाना, कुछ खाना नहीं है, भूखा रहना है, तो मैंने वही जैसे इन्होंने किया वैसे किया। उसके बाद मैंने ग्रीन जूस पिया, तो स्टार्टिंग में हुआ क्या, ग्रीन जूस पीने से आंतों की सफाई हुई, उसके बाद पका हुआ तो खाना नहीं, सिर्फ जो परमात्मा ने पकाया वही खाया, परमात्मा ने जो पकाया टमाटर है जो है जितने भी सलाद है फ्रूट है जो सब परमात्मा ने पकाया वही मैंने खाया। उसके खाने से हुआ क्या, मेरा धीरे धीरे वेट लूज होने लगा और मेरी आंतों की सफाई शुरू होने लगी, इतना बड़ा चारों तरफ से पेट खा मेरा वो कम हो गया। तो उस इधर योगाश्रम में विशाल भाई ने मेरे को आगे क्या कहा कि ये मेरा भी हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, आप ये निष्ठा से करो, लेकिन ये बात पक्की है कि है थोड़ा सा मतलब तो मुश्किल, मन को काबू करना बहुत मुश्किल काम है, क्यों तो जा कोई चीज़ देखी फौरन जी करता आदमी मैं खा लूँ, लेकिन इस पर कंट्रोल जिसने कर लिया, मन को जिसने जीत लिया उसका तो बेड़ा पार है। उसके बाद यह बात पक्की है कि जीवन में कभी भी आपको किसी भी तरह की दवाई नहीं खानी पड़ती। आज 1.5 साल से मैंने कभी भी सिरदर्द की गोली नहीं ली। पहले मेरे गिट्टे से नीचे से जो पांव थे ना वो लगातार दुखते थे कंटिन्यू, और ये सब लेने के बाद में जो है मैंने एनडीएस में जो ये सफलता प्राप्त की, आज उसी को मैं फॉलो कर रहा हूँ। अब मैंने मध्य मार्ग अपना रखा है, मध्य मार्ग में क्या करते हैं, एक टाइम भोजन करते हैं, सुबह ग्रीन जूस, उसके बाद फ्रूट, फिर खाना खाने से पहले जब भी सलाद खानी है, जितनी सलाद ज़्यादा खाएंगे उतना हमने पका हुआ भोजन कम खाएंगे, और उसके बाद एक रूटीन बन जाता है हमारा, अभी जीने की शैली वही हो जाती है हमारी। फिर कहीं भी जाओगे तो आपको कुछ नहीं लगेगा, वो हमारा शरीर उसी ढंग से ढल जाएगा। तो मैंने तो अपना यही बाकी तो जिग्नेश भाई बताएंगे सारे डिटेल से, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, मैंने ये फ़ायदा उठाया, और मेरे करने के बाद विशाल भाई ने किया, उनको फ़ायदा हुआ,
और जिस जिसने जो करेगा उसको फायदा होगा। बस एक ऐड रोज देख भी रहो आप, रोज देखते हो ऐड, क्या ऐड आती है, पेट सफा तो हर रोग दफा, ऐड आती है ना रोज। कोई भी डॉक्टर नहीं बताता इस बात को, वो आपको दवाई दे देगा आपको। यदि किसी किसी ये ग्रीन जूस पीने से या किसी किसी उल्टी आती है तो दवाई नहीं लेनी है, क्यों, उल्टी कोई अच्छी चीज़ नहीं है। हमारे अंदर जो जमा मल है वो कोई अच्छा थोड़ी है, वो तो बाहर ही निकलना चाहिए ना। लेकिन लोग अगर भाग के दवाई ले जाते हैं, दस्त की दवाई दो जी, दस्त लगते हैं तो दवाई नहीं लेनी है, सफाई होने दो उसकी, उसको रोक देते हैं। लेकिन इसके मतलब सफाई होने से कभी कमजोरी नहीं आएगी। ग्रीन जूस पीने के बाद जो सफाई होती है उसमें कमजोर, दस्त लगने से जो है कमजोरी आती है। तो मैंने जो है इससे ज़्यादा मैं नहीं कह पाऊँगा, बाकी जिग्नेश भाई बताएंगे अपना सारा कैंप चला ही रहे हैं, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया और आप लोगों ने मेरा एक्सपीरियंस चुना। और मैं तो आपसे यही कहूँगा भी आप लोग भी इसको फॉलो करोगे तो आपको ही फायदा होगा। ये नहीं हो सकता कि आप करो और ना हो, फायदा होगा, करना पूरी निष्ठा से है। धन्यवाद।